एक नौजवान था 12-14 साल का, यहूदियों का बच्चा था, बुखारी मौजूद है, अक्सर हुजूर के पास आया करता, छोटे मोटे काम नबी पाक के कर देता, और कुछ भी ना होता तो आके बैठा रहता, हुजूर का चेहरा ही देखता रहता, नबी करीम का चेहरा ही देखता रहता, खुश रहता, हुजूर की जियारत ही करता रहता। 2-3 दिन वो आया नहीं, बुखारी में मौजूद है। हुजूर ने फरमाया मालूमात करो क्यों नहीं आया। सहाबा ने अर्ज की हुजूर बीमार हो गया, बीमार हो गया। इमाम ज़ुरकानी ने लिखा है, फरमाते हैं वो भी अपने घर में ना रोज दरवाजा देखता रहता, रोज दरवाजा देखता रहता। उसकी माँ कहने लगी बेटा जिनका तू इंतजार कर रहा है वो मुश्किल से आए, हमारा ना मजहब का रिश्ता है ना किसी और का, कैसे आए। लेकिन हुजूर ने फरमाया चलो चलते हैं। जब मेरे नबी करीम अलैहिस्सलाम ने दरवाजे पे दस्तक दी तो इमाम ज़ुरकानी कहते हैं कहने लगा अम्मा से खोलो दरवाजा, मुस्तफा करीम आ गए, हुजूर आ गए। वाली ने दरवाजा खोला, नबी करीम अंदर तशरीफ लाए। नबी पाक का जो दस्ते मुबारक था ना वो कस्तूरी से ज्यादा महका करता, कस्तूरी से ज्यादा महकता, बर्फ से ज्यादा ठंडा होता। कहते नबी पाक उसके पास गए तो अंदर दाखिल हुए तो रोने लगा। हुजूर ना सराहने वाली साइड पे बैठ गए, उसका सर उठा के गोद में रखा, और जब उसके बालों में हुजूर ने दस्ते मुबारक फेरा तो उसकी माँ और बाप की आंखों में भी आंसू आ गए। ये अंदाजे करम गरीबों के साथ, हम गरीबों के साथ। वो एक हिंदू शायर था तो वो हुजूर की नाते लिखता था, तो कुछ मुसलमान भी बड़े डाढ़े होते हैं ना, उसको जाकर लगे नाते तो बड़ी लिखता है कलमा क्यों नहीं पढ़ता, कलमा भी पढ़ना। तो उसने कहा चल इस पे भी शेर सुन ले, इस पे भी तू शेर ही सुन ले, को मैं तेरा पाबंद तो नहीं। कहने लगा हो जाए इश्क किसी से कोई चारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं, सिर्फ मुस्लिम का मोहम्मद पे अजारा तो नहीं। इतना डांडा ना हो यार मेरे साथ, ये रवैया ना कर, हो गया प्यार ये हो जाया करता है, अब तू इस तरह तो ना कर मेरे साथ। हुजूर ने जब फेरा ना बालों में हाथ तो माँ बाप रोने लगे, उसने भी आंखें खोली, मेरे रसूल पाक सैयद आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसल्लम ने ना उस बच्चे का चेहरा देखा, हुजूर समझ गए वक्त थोड़ा रह गया। तब हुजूर ने उसके साथ वही किया जिससे उसकी आखिरत संवर जाए, वो किया जो दर्द था मेरे नबी पाक, जो शौक रखते थे हुजूर सबके लिए, जो सबके लिए शौक रखते थे। मेरे महबूब फरमाने लगे बेटे कलमा पढ़ ले, कलमा हुजूर का शौक यही है, यही शौक है लोग दीनदार बन जाए, कारोबार चमक जाए जी, मुर्शद के पास गया तो रेल पेल हो गई, ये शौक ही नहीं नबी पाक का। हुजूर का तो शौक है कि सजदे का शौक हो जाए, इबादत का शौक बन जाए। नबी करीम अलैहिस्सलाम ने फरमाया बेटे कलमा पढ़ो। उस बच्चे ने अपने माँ बाप की तरफ देखा, बाप रो पड़ा, कहने लगा बेटा आज साबित हुआ है कि मैं नहीं तुझसे इतना प्यार करता जितना मुस्तफा करते हैं, तू मेरी तरफ ना देख, तू पढ़ ले कलमा, कलमा पढ़। उस बच्चे ने कलमा अभी पूरा पढ़ा ही था कि उसकी रूह परवाज कर गई, मुसलमान होते ही अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो गया। नबी करीम सल्लल्लाहु तआला वसल्लम निकले, आंखों में आंसू थे, लबों से मुस्कुरा रहे थे, और हुजूर फरमाने लगे अल्लाह का शुक्र है जिसने मेरी वजह से इसे जहन्नम से आजाद कर दिया, कि दोजख से बच गया, ये शुक्र है। शुक्र इस बात का करो कि कोई हमारी वजह से दोजख से बच